बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैं फिर से हाज़िर हुई हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। आज हमारी रेसिपी है सूजी का हलवा। तो आइए मैं आपको आसान तरीके से सूजी का हलवा बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हमने कढ़ाई में आधा कप तेल डाल दिया है। अब हम इसमें 2 अदद छोटी इलायची ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसे 5 सेकंड के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें 1 प्याली सूजी शामिल कर देंगे। सूजी को हम अच्छे तरीके से तेल में मिक्स कर देंगे और हल्का ब्राउन होने तक इसमें पकाएंगे। ये देखें आप, इसे आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हिलाना है ताकि सूजी ब्राउन हो जाए। तो व्यूअर्स, हम इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सूजी को घुमाते रहेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए। आपने चम्मच को हिलाते रहना है, स्टॉप नहीं करना। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सूजी लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें 1 कप दूध का ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और फ्लेम हम लो कर देंगे। इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे और हल्की फ्लेम करके हम इसे हल्की आंच पे रख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने फ्लेम को लो करना है और इसे हल्की आंच के पे रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस हलवे में 1/2 प्याली चीनी की ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फूड कलर। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, किशमिश, पिस्ते। ये हमने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। 3 से 4 मिनट दम पे रखने के बाद हम अपने हलवे को डिश आउट कर देंगे। तो हम इसे अभी दम पे रख रहे हैं और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। तो व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही लजीज हलवा बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।